ऑडी का रिक्शा आगे बोले लो नहीं, ऑडी का रिक्शा यार, वो भी इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोल के बगैर। नहीं भाई भाई भाई, इंडिया 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 में हो गया, इंडिया में हो गया। लगता नहीं क्यों चाइना ऐसी चीज़ें वगैरह बनाता है। सर ऑडी ने अपना जो रिक्शा लॉन्च कर दिया इंडिया में, या करने जा रही है दो चार दिन तक, कर ही देगी वो इंडिया में, क्यों पाकिस्तान में क्यों नहीं? इंडिया में ये है कि इंडिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो इसलिए क्योंकि उनमें पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा, एजुकेशन में, हाँ एजुकेशन में उनकी बहुत सख्ती है, सख्ती से मुराद उनका बच्चा भी। सर इंडिया में, इंडिया में चल गया जी, इंडिया में, इंडिया हमारे से आगे चला गया ना मैं तो जी। पाकिस्तान के लोग हो चुके हैं पागल, क्योंकि मदरसे में पढ़ पढ़ के इनकी अकल जो है मारी गई है। क्यों ऐसा क्यों बताओ क्यों? क्योंकि किसी ने भाई व्हाट्सएप पे एक फोटो वायरल कर दिया, आपको पता होगा भाई ई रिक्शा चली हुई इंडिया में कम से कम 10-12 साल से, ई रिक्शा इंडिया में, और भाई हमने इसको खुद आविष्कार किया है, इस ई रिक्शा का आविष्कार इंडिया में हुआ है, मतलब जुगाड़ लगा के लोगों ने उसको बना दिया, उसके बाद फिर मॉडिफाई होती चलेगी। अब मॉडिफाई करके किसी भाई ने उसके ऊपर ओडी के छल्ले लगा दिए भाई, तो पाकिस्तानियों को लगा कि ओडी ने जो है अपनी ई रिक्शा, ओडी वालों ने अपनी ई रिक्शा इंडिया में लॉन्च कर दी है। तो वे पाकिस्तानी पत्रकार जी पूछ रहे हैं पाकिस्तान की जनता से कि जी इंडिया के अंदर ओडी ने अपनी इलेक्ट्रिक जो है ई रिक्शा लॉन्च कर दिया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई कसम से इतने जाहिल मदरसा साहब लोग आपने कभी नहीं देखे होंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आने वाला है, वीडियो के लास्ट में मिलूंगा, तो चलिए वीडियो को देखते हैं। क्या हाल है? ठीक ठाक। नाम? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, अब्दुल बासित कौन सी कार फेवरेट है आपकी? बापू जी गड्डी वही लेनी है जिन्हों चार चूड़ियां लगी हैं। चार चूड़ियां लगी आई नहीं, पंजवी आई नहीं, चार चूड़ियां लगी हैं। अब चार चूड़ियां रक्षा को लगी हैं, रक्षा को लगी हैं और वो भी इलेक्ट्रॉनिक रक्षा बगैर पेट्रोल के। कहां पर आया होगा, किस कंट्री में? बिना पेट्रोल के रक्षा को ही आया है, यानी इलेक्ट्रॉनिक। ओ हाँ, किस कंट्री में लॉन्च हुआ होगा? तो कहाँ लगाओ? नो चाइना। चाइना, एक और लगा लो, चलो हांगकॉन्ग। इंडिया? इंडिया, इंडिया। ओडी नंबर वन है, ओडी नंबर वन है, और वो लॉन्च कर जा करने जा रहा है इंडिया में ही, क्यों पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान है वो अपनी सियासत में जुटे हुए हैं, उनका जहन जाता ही नहीं है। तो हुक्मरान अवाम से नहीं निकलते? नहीं, अवाम से नहीं निकलते। ओके। उनको सिर्फ इतना पता है कि अवाम को कैसे चूसना है, इनके लिए फर्शनैलिटीज़ इनको कोई नई नई देनी चाहिए, क्योंकि अब देखे ना मोटरसाइकिल निकली और पाकिस्तानियों ने उसका रिक्शा बना लिया, रिक्शा बना फिर क्रिएटिव गॉम है, हाँ उसको फिर हेलीकॉप्टर भी बना। अच्छा इंडिया में क्यों लॉन्च कर रहा है, क्या वजह है इंडिया में फिर क्यों? पाकिस्तान में तो आपने वजह बता दी। इंडिया में ये है कि इंडिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो इसलिए क्योंकि उनमें पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा, एजुकेशन में, हाँ एजुकेशन में उनकी बहुत सख्ती है, सख्ती से मुराद उनका बच्चा भी देखो रंग से काला होगा, मैला सा होगा, कूड़ा उठा रहा होगा, लेकिन वो भी इंग्लिश में बात करेगा। हाय, तो असी देखो ना उर्दू च भी गल कर रहे हैं, पंजाबी उर्दू च थत ज़बान बुलावे पै रहे हैं, बुलावे पै रहे ने, ऐंदा ही कोई सीन हैगा। अच्छा नहीं क्यों, क्या उसकी पब्लिक ज़्यादा है, क्या क्या वो प्रॉमिसिंग है अपनी कंट्री से, अपनी कंट्री से वो मोहब्बत, क्या वजह, क्या क्या हर मार्केट जितने भी कोई लॉन्च करनी होती है इंडिया में जाके कर देता है? यूँ ही समझ लो कि पब्लिक ज़्यादा है उनकी, पब्लिक ज़्यादा, पब्लिक ज़्यादा है और पब्लिक खरीदती भी है, खरीदती भी है। वालेकुम। चाचा की नाम है? रियाज। रियाज नाम है आपका? अच्छा चाचू, गाड़ी कौन सी पसंद है आपको? मुझे तो गाड़ी जो होंडा स्विफ्ट पसंद है। स्विफ्ट पसंद है। चाचा चार चूड़ी वाली जो ऑडी है वो कैसी लगती है? वो भी ठीक है, पैसे हों तो वो भी ठीक है, प्यारी है ना। अच्छा ऑडी का रिक्शा सुना कभी? नहीं कभी नहीं सुना। नहीं चाचा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोल भी नहीं डलेगा, सोलर पर चलेगा? नहीं, उसका ऑडी का, ऑडी का वो रक्षा भी तकरीबन फिर होगा करोड़ का तो होगा ही। पैसे मैटर नहीं करते, लॉन्च किस सिटी में हुआ होगा, कौन से शहर में ये बताएं, या कौन से मुल्क में? नहीं मुझे समझ नहीं लगी दोबारा। वो किस शहर में आया होगा, पहली दफ़ा उन्होंने जो रक्षा चलाना है कौन से मुल्क में चलाएंगे? फ्रांस में, यूरोप, किसी यूरोप कंट्री में। यूरोप कंट्री में? सर इंडिया में। इंडिया में चल गया जी, इंडिया में। इंडिया हमारे से आगे चला गया ना, मैं आपको जो हमारे जो हुक्मरान है ना जी वो खाने की करते हैं, सड़कों पे लगाने की करते हैं, तो ये नहीं इस सड़कों को बनाने के कोई इंडस्ट्री के ऊपर पैसा लगाएं, जहाँ से कोई पैसा आए कर्जा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ सड़कों लगा लेते हैं, कोई मोटर पे बना दिया, तो बेहतर ये है जी बाहर से पैसे लें, कुछ जैसे हमारी कोई गाड़ियाँ, हमारी जितनी भी गाड़ी यहाँ हो रही हैं वो बाहर उसका जो स्पेयर पार्ट बाहर से आता है। बिल्कुल ऐसे, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारी आ ही रहा, जा कुछ नहीं रहा, जा कुछ भी ना। अच्छा चाचू, पाकिस्तान में कब देख रहे हैं आप ऑडी का रिक्शा? मैं तो उस इधर देख ही नहीं रहा हूँ। इधर नहीं आएगा? इधर नहीं आएगा, देखो ना जी जो हमारे हुक्मरान है ना जी
पहले तो इन्हें कुछ चीज देंगे तो फिर ही आएगा। ओके, यानी कि वो अपने मुल्क से इंडियन जो है मुफलस हैं। मुझे लगता है वो मुखलस हम नहीं है, हमारे मुल्क जो हुक्मरान है वो नहीं है, वो खाते हैं, खाने के पीछे आते हैं बस। अच्छा, इसमें रह क्या क्या जो खाना है? बस अभी भी खा रहे हैं, अभी लूट रहे हैं, ये बस पता नहीं कितने अरसे से लूट रहे हैं, पिछले 70 साल से लूट रहे हैं, अभी भी इनका पेट नहीं भरा। हड़प्पा का आखिरी दियार रह गया, वो खा रहे हैं। हाँ वही ले। चचू, हम क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे, का आखिरी हाल बताएं, कितने सालों में, चलो कहें कितने सालों तक तरक्की कर लेंगे? तरक्की हम उतनी देर नहीं करेंगे जितनी देर कोई हमारी इंडस्ट्री जो जैसे गाड़ियों का वो इधर स्पेयर पार्ट बने, मोबाइल बनने शुरू हो जाए, जो इंडस्ट्री हमारी इधर नहीं लगेगी। लगेगी, आपको लग रहा है कि आएगा कोई वक्त ऐसा? मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा। आपको नहीं लगता? वालेकुम सलाम। भाई का नाम? सुलेमान। कैमरा उधर है? सुलेमान। सुलेमान, अच्छा सुलेमान यार, गाड़ी कौन सी पसंद है? मुझे सिविक। सिविक, और बैठे होंडे पे हो? तो होंडे से भी सिविक पे जाएंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा, ऑडी गाड़ी कैसी है? ऑडी भी अच्छी है, लेकिन बापू जी गड्डी और लेनी जिन्हें चार चूड़ियाँ लगी है। अच्छा, कब ले रहे हो? इंशाल्लाह करीब। अच्छा, अगर वो नहीं ले जाए, एक बात बताऊँ जी, ऑडी का रिक्शा आ गया वो ले लो। नहीं, ऑडी का रिक्शा यार, वो भी इलेक्ट्रॉनिक पेट्रोल के बगैर। गाड़ी सिविक, सिविक है। सिविक, सिविक की। अच्छा, ऑडी नहीं है? नहीं, ऑडी नहीं है यार। ऑडी फोन से बाहर है ना, इसलिए। हाँ, फोन से बाहर है। अच्छा यार, रिक्शा लॉन्च हो गया ऑडी का इलेक्ट्रॉनिक, क्या कहते हो, कहाँ पर हुआ होगा, कौन से मुल्क में? नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं? कोई तुक्का? अमेरिका में। अमेरिका में? चाइना में हो? नहीं भाई, भाई भाई, इंडिया 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 में हो गया। इंडिया में हो गया लगता नहीं, क्यों, चाइना ऐसी चीज़ें वगैरह बनाता है। सर, ऑडी ने अपना जो रिक्शा लॉन्च कर दिया इंडिया में, या करने जा रही है, 2-4 दिन तक कर ही देगी वो, इंडिया में क्यों, पाकिस्तान में क्यों नहीं? इंडिया की चीज़ें पाकिस्तान में आनी नहीं चाहिए। नहीं, वो ऑडी का रिक्शा इंडिया का थोड़ी है, वो तो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? गलत है ना, पाकिस्तान में करना चाहिए। पाकिस्तान का रिश्तेदार लगता है उनका? हैं, उनका हम साया नहीं है। किनका? ऑडी वालों का। ऑडी को कंट्री है? ऑडी कंपनी है, अच्छी कंपनी। अच्छी कंपनी इंडिया में क्यों लगाती है? आई डोंट नो, इतना हम में क्यों नहीं, चल ये तो पता होगा। क्या हम में क्यों नहीं पैसा खर्च करते वो? हम चोर हैं? नहीं, चोर तो गद्दार हैं। हमारा जो हुक्मरान था वो चोर था। हुक्मरान चोर था या है? है, अभी है, अब चला गया, अब जो है वो अच्छा। इमरान खान? यस। वो चोर था? यस। ओके, बुखार नहीं है। अच्छा यार, ऑडी गड्डी का रिक्शा पाकिस्तान में कितने सालों तक आ सकता, तुक्के की बात बताओ। भाई पागल है। अगर इंडिया में लॉन्च हो गया तो करीब समझ ले 2 से 3 साल में पाकिस्तान में आ जाएगा। यानी इंडिया से इतना फासला हमारा 2-3 साल का? नहीं नहीं, अब उन्होंने उधर लॉन्च किया, उधर यानी कि तरक्की का फासला है, पाकिस्तान में तरक्की का फासला है हमारा 2-3 साल जी। सर 30 साल का? नहीं, 30 साल। 30 साल का है। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम। सबके नाम अपने अपने दिल में ले लो, क्योंकि बहुत ज्यादा हो यार। कार कौन सी पसंद है? मर्सिडीज। मर्सिडीज आपको? सिविक। सिविक आपको? कार नहीं दे, तेरा मोटरसाइकिल पसंद होने की नहीं आपको। कौन को? एलंट्रा। एलंट्रा आपको? ऑडी। ऑडी नहीं, बाकी प्यारे भाई कौन सी यार? कार नहीं, मजाक नहीं, ना ही नहीं आंदे। ओके, नहीं वैसे कोई चलती फिरती वो क्या, आप शेप बता देंगे, कोई ना कोई गैस कर लेंगे। ओ या अल्लाह अली, ओ या अल्लाह वाली, इनको पसंद है ऑडी, अभी वो भी निकालेगा। अच्छा, ऑडी की बात आप कर रहे थे, ऑडी वालों ने रिक्शा निकाल लिया है। रिक्शा? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ। अच्छा, किस कंट्री में निकाला हो, किस कंट्री में लॉन्च हुआ होगा? किस कंट्री में? किस कंट्री में? हाँ, नहीं देखें, रिक्शा लॉन्च हुआ है पेंड से, नहीं हो मामू, रिक्शा लॉन्च हुआ है, किस कंट्री में लॉन्च किया होगा ऑडी ने? ऑडी इतनी बड़ी मार्केट है, किस कंट्री में? भाई ये सारे बेवकूफ है, पर दिल्ली है भाई। ऑस्ट्रेलिया जोनी है। ऑस्ट्रेलिया आप? गेस करो कि किस कंट्री में वो रिक्शा निकला होगा। बेल्जियम। बेल्जियम, शुक्र है नाम आ गया। आप नहीं यार, किस कंट्री में गेस किया होगा? कंट्री, किस कंट्री में लॉन्च किया होगा रिक्शा? चीन। चीन च, यानी चाइना। आप? हॉलैंड। हॉलैंड। आप? थाईलैंड। सारे दे बड़े ही फ्लेवर ने। इंडिया में भाई जान, आप मुझे ये बताएं सर, रिक्शा निकला कैसा लगा? ऑडी का दिला भाई रिक्शा। मेनू केड़ा, मेनू निकलया ऑडी दा निकलया रिक्शा, मेनू की अनामपुर चो नहीं बेटा निकलया, वैसे रिक्शा निकला है, यानी कि लॉन्च हो गया। अच्छा, मैं कर सकता हूं कुछ नहीं करना, खुशी मना। अच्छा, इंडिया में कैसा आपको लगा, इंडिया में यार लॉन्च हो रहा है? इंडिया में कैसे लॉन्च हो सकता है? इंडिया में कर रहे हैं ना वो लॉन्च, क्या वजह, क्या क्यों इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं?
पाकिस्तान में उसकी सेल कम है ऑडी की, बचा क्या और इस्लामाबाद यहाँ पे ही चलती है ऑडी, क्योंकि ये काफ़ी महंगी है, लोगों के पास इतना बजट ही नहीं होता इसे लेने का। लाइट का बजट है, लाइट का भाई लाइट लाइट भागी बहन की भाई कसम देखो मुझे बड़ी हंसी आ रही है वीडियो देख के, जेनुअनली हंसी आ रही है भाई, आप लोगों को भी आ रही है क्या यार? देखो पहले तो भिखारियों को ये नहीं पता भाई ओडी रिक्शा में रिक्शा ई रिक्शा लॉन्च हो गई भाई 10-12 साल से चल रही है यहाँ पे, ठीक है हमने खुद बना ली थी, वो लॉन्च लॉन्च नहीं हुई थी, खुद बना ली थी अपने घर पे बैठ के तार वार जोड़ के, पहले छोटी गड्डी बना थी फिर बड़ी बना ली थी वो, तो लॉन्च नहीं हुई। अरे जाइ लो मदरसा छापो भाई, ये देख लो भाई कैसे रिचार्ज तो कर लेते, व्हाट्सएप पे किसी ने भेज दिया ओडी लिख के, तुमने भाई उसका प्रचार कर दिया, जियो की चप्पल मिलती है यहाँ पे, अब अंबानी जी चप्पल तो बनाने से रहे, ठीक है रिलायंस की चप्पल मिलती है भाई यहाँ पे अरे भाई यार क्या हो तुम लोग, मदरसा छापो भाई, पढ़ लिया करो भाई कम से कम यार, इतना तो पढ़ लो कि गूगल पे सर्च कर पाओ, और भाई पत्रकार भाई तुम्हारे का सैल्यूट है यार, क्या ही तो भाई पत्रकार हो तुम, क्या तुमने मदद दिला दिया भाई, आत्मा शांत कर दे तुमने हमारी। दोस्तों आप लोगों को भाई कैसी लगी वीडियो? देखो प्लीज़ अगर मैं ज़्यादा ओवर एक्टिंग लग रही होगी मेरी, लेकिन मैं सच में दिल से बहुत खुश हूँ भाई, वीडियो देख के बढ़िया सी आ रही है, तो आपको भी ऐसी आ रही होगी, तो भाई नीचे लिख दो इनके बारे में दो बात प्लीज़, ओडी की रिक्शा भाई एक नंबर के झाइल है यार ये, इनको अकल नहीं है भाई किसी बात की, इनको पता ही नहीं होता भाई बात क्या चल रही है भाई, बहुत गजब के आदमी है, माफ़ करो भाई माफ़ करो, बहुत ज़्यादा हो गया। अगली वीडियो मिलूंगा, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो भाई, कुछ कमेंट कर दो, आपकी कमेंट पढ़ के दिल खुश हो जाएगा, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो देख ले बाय बाय, जय हिंद।